press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Welcome आप सबका एक नए वीडियो में मैजिक नोट। तो आज एक नोट का मैजिक मैं आप सबको सिखाऊंगा कैसे आप ऑडियंस का बोरो किया हुआ नोट, कोई भी नोट वैनिश कर सकते हैं अपने रुमाल में या फिर ऑडियंस के रुमाल में। तो एकदम सिंपल है और ये सीखने के बाद आप 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक नोट और है, मेरे पास एक रुमाल जो मैं आप सबको दिखा दूँ। ये एकदम सिंपल सा रुमाल है, कुछ भी नहीं है। तो इस रुमाल को, इस रुमाल में आप एकदम बीच में ऐसा एक होल कर लीजिए और इस नोट को एकदम से होल्ड करके इधर रख दीजिए। आप नोट को भी कर सकते हैं या फिर कोई बड़ा कॉइन भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैजिक एक ही होता है। तो ऑडियंस का नोट आप लोगों ने इधर ले लिया है और फिर आप देख सकते हैं कि ये नोट एकदम इधर ही है और मैं इस रुमाल को ठीक से फोल्ड कर देता हूँ और मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। फिर आप सिर्फ एक मैजिक पास देंगे और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये नोट एकदम से पूरी तरह से वैनिश हो गया आप सबके आंखों के सामने और आप ऑडियंस का नोट को ऐसे वैनिश कर सकते हैं एकदम रुमाल में, और ऑडियंस का रुमाल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं मैजिक। और हाँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अभी और लाइक बटन पर प्रेस कीजिए अगर आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं ये मैजिक। सीखते हैं मैजिक कैसे होता है। इसके लिए लगेगा आपको कुछ नहीं, ऑडियंस का रुमाल और ऑडियंस का ही नोट, और आपको जो सीक्रेट लगेगा वो है मैजिक। और वो मैजिक है एक रबर बैंड जो आप अपने इस दो उंगली में क्लिप करके रखेंगे। एक बैंड को, रबर बैंड को आप ऐसे दो फोल्ड करके इस दो उंगली में रख लीजिए। इससे क्या होगा, ये टाइट होगा क्योंकि ये बड़ा रबर बैंड है, इसलिए मैंने दो फोल्ड किया है। तो फिर आप इस रुमाल को ऐसे दिखाइए, फिर उसके अंदर, उसके नीचे हाथ रख के रुमाल को इसमें घुसा दीजिए। इससे क्या होगा, एक जगह तैयार हो जाएगा जिसमें ये नोट आसानी से छुप सकता है और वो रबर बैंड इसको चारों तरफ से घेर लेगा तो ये दिखेगा भी नहीं। अब आप सब रबर बैंड को छोड़ दीजिए। आप रबर बैंड को छोड़ देंगे तो रबर बैंड इस नोट को ऐसे रखेगा। फिर आप इस रुमाल को ऐसे लीजिए और फिर एक मैजिक पास देके ऐसे एक बार दिखाइए कि ऑडियंस का नोट। और हाँ, ख्याल, और हाँ, आप देखिए कि नोटिस कीजिए कि ये कभी ना दिखें, ये चीज़ ना दिखें। और ऐसे आप दिखाएंगे तो ऑडियंस को कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर आप सिंपली ये रुमाल को अपने पॉकेट में रख सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि आप तो ऑडियंस का रुमाल लेके कर भी सकते हैं, लेकिन आप अगर अपना रुमाल यूज़ करेंगे और एकदम से ये मैजिक हो जाने के बाद वो सिंपल से ये रुमाल अंदर घुसा लेंगे तो ऑडियंस को कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर आप कहीं से भी, आप जो रुपये आप बोरो किया है वो दे सकते हैं ऑडियंस को, मतलब उनके ही पॉकेट से या फिर किसी फ्रेंड के पॉकेट से वो निकलेगा। तो ऐसा कुछ सोच के आप नया मैजिक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। और हाँ, आप इस बटन को क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और आप देख सकते हैं कि इधर और भी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और आपका वैल्यूएबल कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत फ्रेंड्स ने कमेंट करना चालू भी किया है। थैंक यू, आप सबका प्यार मुझे चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।